जय हिंद, नमस्कार मेरे शेरनियो, लाडलो लाडलियो, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के मेडिकल पॉइंट्स को लेकर है। पूरे मेडिकल पॉइंट नहीं, ये वो मेडिकल पॉइंट्स है जिनकी वजह से अगर आप बाहर हो जाओगे, लेकिन अगर अभी आपने ध्यान दे लिया तो आप बाहर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो उस समय अगर आप मेडिकल के समय या उससे 4-5 दिन 10 दिन पहले अगर आपने ध्यान दिया तो आप 100% बाहर हो जाओगे। आप सबने फॉर्म भर लिया होगा, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो मैं मेडिकल पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, इसकी इस समय बात इसलिए कर रहा हूं कि ये इसी समय इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है इनमें इतना समय लग जाएगा ठीक होने में, इसलिए मैं आपको इस समय बता रहा हूं। कई बच्चे हैं बाद में आते भी मेरे पास में एकेडमी में और रोते हैं, तो आपकी भी वैसी हालत ना हो, आप मेरे से जुड़े हो, तो मैं चाहता हूं कि आपका उस चीज को लेकर अच्छा आपको नॉलेज रहे और आपका फायदा हो सके। देखिए, 5 पॉइंट है मुख्य रूप से। एक तो डीएनएस का, दूसरा टैटू का, तीसरा पाइल्स का, चौथा बवासीर का और पांचवा स्किन का। इनमें से कोई ना कोई पॉइंट से आप जरूर इफेक्टेड होंगे। आपने भी देखा होगा आपकी बॉडी में किसी न किसी पॉइंट को लेकर आपको शक तो रहता ही है। तो एक तो अगर आपके जो भी शक है उसके लिए कल यानी 30 तारीख को, 30/12 को, कल दोपहर 12 बजे मैं अनअकेडमी पे एक लाइव सेशन ले रहा हूं सिर्फ मेडिकल पॉइंट्स को लेकर। आपके जो भी डाउट्स है वो आप उसमें आइए और मेरे से पूछते रहना 1-to-1, और मैं आपको हरेक आपके कमेंट्स का लाइव आंसर करूंगा। ध्यान रखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कल 12 बजे, ठीक है? उसका लिंक दे दिया, उस पर आप अभी जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आप उस समय जुड़ जाना और आप 1-to-1 मेरे से बात कर पाओगे उस समय। 5 पॉइंट डीएनएस, नाक की हड्डी जो यहां से टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसका एक हल्का सा ऑपरेशन होता है, ध्यान रखना, ठीक है? हल्का सा ऑपरेशन होता है और उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इस समय ये करा लेते हो आपको आगे डीएनएस का पॉइंट नहीं मिलेगा, ये नहीं है इलाज वाली समस्या, इसका इलाज करा सकते। टैटू को लेकर कई बच्चों के डाउट होते हैं, मैं आपको बताऊं, आपके टैटू रहा तो आपको बाहर कर देंगे, फिर आपको टैटू मिटाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है इस समय ही आप, अगर आपके अच्छे नंबर आने के चांस है, आप कहते हो कि मैं नंबर ले आऊंगा, तो टैटू इस समय मिटवा दो। क्यों? इस समय मिटाने से क्या होगा, आपके जो टैटू वाला जो निशान है वो भी मिट जाएगा, और कम से कम टैटू का एक बार में रिमूव नहीं होता है, कम से कम उसमें 2 से 3 बार लगती है, एक बार रिमूव किया, फिर और किया, फिर और किया, तब वो कंप्लीट रिमूव होता है और तभी मेडिकल पास होता है, उससे पहले पास नहीं होता। कई बच्चों ने पिछली बार लास्ट समय पे टैटू मिटाया था लेकिन उसको फेल कर दिया क्योंकि वहां पर निशान था, तो वो निशान तक मिटना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, अगर है तो अभी मिटवा लो। पाइल्स ऐसी बीमारी है, अगर आप उस समय इसको ठीक कराने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर ये देसी जो डॉक्टर होते हैं वो इसकी दवाई देते हैं, जो मस्से के इनके डॉक्टर होते हैं, कई जगह बंगाली फेमस होते हैं, दोनों चीज बवासीर और पाइल्स, इसकी वही दवाइयां देते हैं और उन दवाइयों से कम 2 महीना या 3 महीना समय लग जाता है। ये ज्यादातर आपको बैठने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, चटपटा खाने की वजह से, तेल खाने की वजह से, तो उनसे भी दूर रहिए। और क्योंकि सीटिंग तो आपको करनी पड़ेगी, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इसकी भी दवाई अभी से ले लीजिए। अब मेन पॉइंट आता है स्किन का। स्किन के क्या है, स्टिचिंग मार्क हो गए, आपके बहुत बड़ा दाग का धब्बा है, इसको लेकर कई बच्चों के डाउट रहते हैं। देखो, स्किन पर किसी भी प्रकार का कट हो, किसी भी प्रकार का चिन्ह हो, फुंसियां टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, जो फुंसी होती है ना वो नहीं होनी चाहिए, बाकी कट कैसा भी हो, कैसा भी चिन्ह हो, पहले के चोट का चिन्ह हो, किसी भी टाइप का चिन्ह हो, उसकी कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपकी बॉडी पर फुंसियां और की है स्किन पर छोटी छोटी डॉट 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 रेड कलर की, ब्लू कलर की, अलग अलग कलर की, तो आपको उसका इस समय ही इलाज कराना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में इस बार आपका सिलेक्शन हो। क्यों? क्योंकि फरवरी महीने में एग्जाम खत्म हो जाएगा, अप्रैल में इस बार आपको पता फिजिकल शुरू हो जाएंगे, अप्रैल और मई के अंदर आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे, तो उस समय फिर इन चीजों का आप इलाज नहीं करवा पाओगे अंतिम समय में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कल की लाइव में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उस लाइव में जो भी आपकी बातें उनका मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। लाडलो, जय हिंद, जय भारत।